नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम media.net ad network के पेमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मैंने देखा एडसेंस के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बना रखी है यूट्यूबर्स ने, सो media.net के बारे में काफ़ी कम वीडियोस है पेमेंट प्रोसेस के बारे में, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर जो वीडियो बना देना चाहिए। लास्ट में आपको मैं प्रूफ भी बताऊँगा, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप नए होंगे मेरे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, media.net जो है आपको पेमेंट देता है मंथ के एंड में, यानी कि मान के चलिए आपका जनवरी में जो है पेमेंट मीन्स जनवरी के 30 तक आपका जो पेमेंट है कंप्लीट वो $100 के ऊपर चला गया, मान के चलिए $120 आपके अकाउंट में अभी हो चुके हैं, ठीक है, 30 जनवरी तक। तो इसका पेमेंट आपको कब आएगा? एडसेंस केस में क्या होता है, 22 तारीख को आपका पेमेंट रिलीज होता है और फिर 4 से 5 दिनों में आपके अकाउंट में आ जाता है। बट media.net में थोड़ा सा लेट आता है। यहाँ पे कैसा होता है, देखिए 30 डे का पेमेंट प्रोसेस पेमेंट साइकिल होता है। इसमें जनवरी 30 को आपके जैसे $120 कंप्लीट होंगे तो आपको फेब्रुआरी के 30 को या फिर 31 को, यदि फेब्रुआरी में तो वैसे 30 और 31 नहीं होता है, वो 28 होता है वहाँ पे, तो जो भी लास्ट डेट रहेगी पर्टिकुलर मंथ की उस लास्ट डेट को आपको पेमेंट आएगा, ठीक है। उससे एक दिन पहले भी आ सकता है और उसके बाद में एक दिन बाद भी आ सकता है, यानी कि मान के चलिए 28 डेज का फेब्रुआरी है तो आपको 27 को जो है रिलीज़ हो जाएगा पायनियर पे या फिर 28 को, और आपको फिर बैंक अकाउंट में उसका नेक्स्ट डे मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली पायनियर में इंडिया में जो है पायनियर अभी अवेलेबल है media.net में, तो पायनियर का यदि आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं फ्री में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि media.net को आपको पायनियर के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, तो प्रोसेस थोड़ी सी है वहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट जो है आपको 30 डेज के बाद मिलता है। तो अभी मैं आपको प्रूफ बताता हूँ media.net के अकाउंट में जाके कि वहाँ पे किस तरह से जो है आपको शो करेगा। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। पॉप कंसोल हमने खोल रखा है, यहाँ पे मैंने पे आउट हिस्ट्री में मैं अभी फ़िलहाल हूँ। सो यहाँ पे देखिए 30 ऑफ अगस्त 2021, तो आप देख सकते हैं जो जुलाई महीने की जो इनकम थी वो 30 अगस्त को यहाँ पे शो कर रही है, मीन्स 31 का था मंथ बट 30 अगस्त को इन्होंने अपने तरफ से पायनियर में भेज दिया, फिर पायनियर से जो है नेक्स्ट डे जो है आपके बैंक अकाउंट में वो जो है पेमेंट आती है। तो सेम है पेपाल में जैसा आता है, सेम पायनियर में भी सेम नेक्स्ट डे जो है आपके अकाउंट में जो है पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। आपको उसका मेल भी आता है पायनियर का कि आपको जो है पेमेंट आई है, और आपको जो है यहाँ पे दिखाई देता है सब कुछ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और media.net से रिलेटेड हमने और भी वीडियोस बना रखी है, उनको ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।